ज्यादा साहब, ये प्रश्न आपके लिए। निपोन लाइफ, जिसे पहले हम आर नैम के नाम से जानते थे, किरण जी इस चार्ट को देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अब आपके सामने 403 रुपए के आसपास बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ। शैल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ये कल भी हमने इस पे चर्चा की थी और मैंने यही कहा था कि इसको भूल जाना चाहिए, लेके मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। जो मूव देखने को मिल रही है, आपको पोजिशनली रखना चाहिए। 380 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली, और आपको ये अगले 2-3 साल के लिए रुकना चाहिए। आपको ये मल्टीपैगर के तौर पे देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ट्रायंगुलर असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और मेरा मानना है कि फर्स्ट टारगेट्स अगर चाहिए तो वो रहेगा 550-555 के, जिसके लिए 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं, पर इसके ऊपर के लेवल्स आपको कैजुअली ये स्टॉक दिलाता नजर आएगा। किरण जी, पहले आपकी बारी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आपके सामने 76 रुपए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो अभी क्या 285 के करीब है जी? हाँ, 75 रुपीज के आसपास, 4 दिन की गिरावट के बाद आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से ये एक ब्रेकआउट दिखा रहा है स्क्रीन पर, 76 रुपए 15 पैसे। अब नहीं, मुझे 2 मिनट लगेंगे शैल जी ढूंढने के लिए स्टॉक, रेगुलर रडार पे नहीं। किरण, अगर आप अब इस चार्ट पे नजर डाल चुके हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और बहुत क्रूशल लेवल था 70 रुपए का, वो इसने आज पार किया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि 68 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। अगर हम एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो इसका जो टारगेट बन के नजर आ रहा है वो करीबन आपको 87 का देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट रहेगा जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 95 का है, तो 87 से 95 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, नजदीक वाला स्टॉप लॉस है। किरण, आज जब मैंने इस पर नजर डाली तो मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लगी, ये जो पोस्ट बजट करेक्शन हुआ, ट्रेडिशनली हमेशा होता है, तो अभी भी हुआ, लोगों ने सोचा नहीं कि भाई कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक बार बजट के बाद बाजार गिर रहा था, कुछ ट्रेडर्स निकले होंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही जबरदस्त फेवरेबल हो गया है इस गिरावट की वजह से। प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, बिल्कुल सपोर्ट नजदीक है। इसका टेक्निकल रुझान मैं बताता हूँ, अगस्त 2019 का बॉटम, उसके बाद अक्टूबर 2019 का बॉटम, फिर दिसंबर 2019 का बॉटम, और अभी फरवरी का बॉटम। ये सारे बॉटम एक ट्रेंड लाइन से जुड़े जा सकते हैं, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, और सबसे बढ़िया बात है ये 25-26 डिग्री की ट्रेंड लाइन है, जो कि बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 49 पे ट्रेड कर रहा है, 45 का स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे। और मेरा मानना है कि टारगेट्स के लिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो 60 का है, पर अगर ये निकल जाता है तो फिर 72-73 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है तो वो है डिवीज लैब पर, लगातार आपको इंट्राडे हाईज और रिकॉर्ड लेवल्स इस स्टॉक पर देखने को मिलेंगे। किरण जी का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था एक टाइम पर, और अब उनसे पूछते हैं कि वही उनको इसमें तेजी दिखती है या नहीं। किरण जी, आप जब इस स्टॉक पर रिकॉर्ड हाई नहीं था अक्सर इसको रिकमेंड करते थे, अब ब्लू स्काई टेरिटरी है, बताइए किस हिसाब से आप इसमें रैली देख रहे हैं? फिलहाल 5 दिन की लगातार तेजी आपने डिवीज लैब में देखी है। शैल जी, अभी भी फेवरेट है, पर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं आ रही, इतनी बात है। पर मेरा मानना है कि ये भी आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा इधर से भी आगे। जिस तरीके से ये कंसिस्टेंटली एक बड़ी मूव दिलाता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 2075 के करीब, और इसको ट्रेल करके ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि ये पोजिशनली रखना चाहिए, ये कैजुअली और 200-300 रुपए की रैली दिलाता नजर आएगा अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर। एक स्टॉक जो इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी। डॉक्टर साहब, गैलेक्सी का स्टॉक लेकर आएगा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं ये शेयर आपको तकरीबन 7% की तेजी दिखा रहा है, और यहां पर जिस तरह से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि चाइना से होने वाली सप्लाई का जो डिसरप्शन है उसका इन्हें फायदा होगा, कई एक्सपोर्ट मार्केट्स में ये बेहतर अपने प्रोडक्ट्स भेज पाएंगे, और इस वजह से आप यहां पर एक तेजी का रुख आज बनते हुए देख रहे हैं। किरण, अगर आप इस चार्ट पे नजर रखते हो,
ये जो खबरें फिलहाल चल रही हैं बाजार में, अटकलें चल रही हैं, एनालिस्ट की राय सामने आ रही है, उसके चलते आप केमिकल शेयर्स पे उछाल देख रहे हैं, ये भी ऐसा ही एक स्टॉक है। आज हमने इस पे जो नजर डाली है, मेरे ख्याल से ये नए 52 वीक हाई पे या शायद नए लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है और इसने जो 1660 की जो लेवल थी, बहुत ही अहमियत वाली लेवल थी, वो इसने क्रॉस किया। लॉन्ग टर्म उसका लिस्टिंग प्राइस भी 1663 की थी, करीबन नवंबर 2019 का हाई भी वही था और अभी पिछले दो हफ्ते पहले भी इसने यही हाई किया था। तो मेरा मानना है कि 1660 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा सा दूर है पर वही सही लेवल है। मेरा मानना है कि इधर से ये अगर आप दो महीने रखते हैं तो इधर से करीबन 1900 से लेके 2000 के लेवल्स आपको देखने में मिल जाने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अपसाइड है, लिमिटेड रिस्क है, वो रिस्क लेके आपको बाय करके चलने की सलाह है। किरण जी, पौने दो बज चुके हैं, बताइए कोई बेहतरीन ट्रेड जो बचे हुए 45 मिनट में फिलहाल बाजार में लिया जा सके। देखिए, अंबुजा सीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अंबुजा सीमेंट में बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से एक अच्छी मूव हमने इसमें देखी है और 210 के लेवल्स कैजुअली तोड़ दिए है, तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस करीबन अभी 211 का रहेगा। अभी 212 पे ट्रेड कर रहा है, काफी नजदीक वाला स्टॉप लॉस है और आपको एक से दो दिनों के अंदर 219 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये तो सीमेंट कंपनीज पर बात हुई। किरण जी, एक दो और स्टॉक्स पर आपसे राय लेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो फेर बदल है वो जरा बदलती हुई दिख रही है आपके सामने, आज 11% ऊपर है एफएनओ में और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त है, कुछ राय रखेंगे आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सवेरे फर्स्ट हाफ में इसने एक ब्रेकआउट 333 लेवल्स पे दिया था, उसके बाद एक तरफा मूव हमने देखा है। अभी बाय कर अगर कोई करना चाहता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 348 का, 10 रुपए नीचे है, यानी 3% नीचे है, ये समझना चाहिए। इसका लॉट साइज भी काफी बड़ा है तो आप छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, इमीडिएट नहीं पर मेरा मानना है कि 3 से 4 दिनों का अगर वक्त देते हैं तो ये दमखम रखता है करीबन 386-390 के टारगेट्स हासिल होते हुए देखने की। पर अंडर करंट काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है और काफी अनवाइंडिंग देखने को मिली जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। OI भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया है, करीबन 6% का ओपन इंटरेस्ट चेंज देखने को मिला है आज के सत्र में। तो मेरा मानना है कि कुल मिला के एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग पोजीशंस बना के रखने चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रहने। किरण जी, पहला सीमेंस के चार्ट पे किरण नजर डालिए, दिन का हाई क्या टारगेट देखते हैं आप? बिल्कुल स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, अच्छी करेक्टिव रैली पिछले दो दिनों में देखने को मिली थी, तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस इसके वजह से बहुत नजदीक होगा। आपका स्टॉप लॉस 1488 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको 1535-1540 के देखने को मिल जाने चाहिए। जी, ये तो आपने राय दी सीमेंस पर, एक आध और स्टॉक पर चर्चा करते हैं आपके साथ जहां पर फिलहाल हल्का सा लाल निशान दिख रहा है। ये बाजार का पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 670 रुपए 80 पैसे के आसपास, काफी शानदार रैली के बाद इसमें एक हल्की सी मुनाफा वसूली है, कोई चिंता का विषय या ये ठीक ठाक है? नहीं, एक करेक्टिव रैली कहनी चाहिए, एक बहुत बड़ी रैली हमने 610 से 690 तक देखी तो उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो गया तो अच्छी बात होती है, पर इसने 660 के लेवल्स ब्रीच नहीं करने चाहिए। 670 पे ट्रेड कर रहा है, जब तक ये 660 के ऊपर है तब तक मैं सेफ जोन में समझूंगा, बल्कि वापस एक बार 665 के जोन के नजदीक आता है तो 5-8 रुपए के रिस्क से बाय करने की सलाह होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी चार्ट में, पर नेक्स्ट जो रैली है वो 690 के ऊपर ही जोरदार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अगर पुराना डेटा देखते हैं, बहुत पुराना, तो 690-700 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन हुआ करता था, वो क्रॉस करता नजर आएगा तब एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जी, बाकी किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर उन्होंने IRCTC पर राय दी है और वो आपको बताएंगे कि जो हमारे पास 3-4 महीने का डेटा है उसमें ये चार्ट्स पर कैसे लगता है। किरण जी, आपकी राय IRCTC पर? चल जी, बहुत ओवरस्ट्रेच काउंटर है, 900 से लेके करीबन 1560 के एक रिलेंटलेस रैली हमने देखी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इधर से और ऊपर नहीं जा सकता। पर मेरा मानना है कि अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो अभी नेक्स्ट ब्रेकआउट की राह देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट ब्रेकआउट की वैल्यू करीबन 1540 की आती है, जो फॉलिंग ट्रेंडलाइन की वैल्यू है।
तो मेरा मानना है कि 1540 के ऊपर ही फ्रेश बाय होगा, जिनके पास है उनके लिए 1380 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जी, आप एक स्टॉक पे नजर डालिए जो यतिन का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, और उस स्टॉक का नाम है कैमलिन फाइन। ये कुछ दिन पहले एक खबर लाए थे कि बड़े निवेशकों किस पे नजर है, और एक बड़े इन्वेस्टर के निवेश की वजह से इसमें सर्किट भी लगे 2-3 दिन। अब ये एक बाजार के साथ नीचे आया है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है तब तो, क्योंकि आप ऊपर के लेवल पर चेस करने की कोशिश कर रहे थे, 85-90 तक हमने इसको चेस किया, और आज आपको ये मिल रहा है 75 पे, तो ऐसा मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा, फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन, सॉरी सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है और उसके बाद ये यू टर्न ले रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आपका अभी स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 63 का, 76 पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है कि ये जो 85-87 का जो रेजिस्टेंस बैंड है वो कैजुअली निकलते देखने को मिल जाना चाहिए, और इवेंचुअली आपको 94 के टारगेट जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आवास फाइनेंसर्स पर राय लेते हैं किरण जी की। इसमें हमने 2000 का प्राइस देखा था किरण जी कुछ समय पहले, और उसके बाद एक ठीक ठाक करेक्शन के बाद ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक आपके सामने फिलहाल 1890 रुपए के आसपास चल रहा है, क्या राय है आपकी चार्ट पर? शैल जी, इसने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे 1800 पे एक डबल बॉटम पैटर्न किया है, और मेरा मानना है कि ये अभी वापस एक बार 2050 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल अभी बाय करके चलना चाहिए। अभी अगर बाय करते हैं तो मेरा नजदीक वाला स्टॉप लॉस, यानी शॉर्ट टर्म जिनका नजरिया है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1851 का, और ये पोजिशनली अगर आप 2050 के टारगेट्स के लिए अगर खरीदते हो तो 1800 का मेरा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। चलिए, ये राय आपको मिली आवास फाइनेंसर्स पर, और फिलहाल आपके सामने लगभग 2,00,000 शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं, जो कि पिछले 4-5 दिन की अगर आप वॉल्यूम को ना देखें तो ज़रूर ये 1.5 टाइम्स है डेली एवरेज का पिछले एक महीने की। तो ये तो बात हुई आवास फाइनेंसर्स पर, और उसके बाद राय लेते हैं ग्लेनमार्क पर आपसे किरण जी। बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आपके सामने, वॉल्यूम बहुत खास है आपको फार्मा स्पेस में एफएनओ में दिखेगा, और ओपन इंटरेस्ट लगभग 6% ऊपर है एफएनओ में। क्या आप राय रखते हैं ग्लेनमार्क पर फिलहाल 332 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में? चल जी, इंटरडे चार्ट देखें तो इसमें एक खास बात है कि ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रहेगा, 328 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, 329-330 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस की हुआ करता था, अभी सपोर्ट का काम करेगा, और मेरा मानना है कि आपको पोजिशनली ये रखना चाहिए, ये 345-350 की तैयारी हो रही है स्टॉक में। एक और स्टॉक जिस पर नजर थी वो है टाइटन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखता है। ये देखिए, एक जबरदस्त उछाल के बाद जो हमने 4 तारीख को यहाँ पे देखी थी, ये अब 3-4 दिनों से बहुत ही छोटे से दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहा है एक अगले नए पुश का, जिसके बाद ये आपको यहाँ से एक और तगड़ा मूव देगा। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास के एक मूव की तैयारी में है, किस लेवल पर किरण आपको लगता है कि वो ब्रेकआउट कन्फर्म होगा, या आपको होता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी? नहीं, ऑलरेडी नहीं हो रहा है, पर 1282 ये मेरा लेवल रहेगा, इसके ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा मानना है कि इधर से जो आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा की मूव देखने को मिल सकती है, 1282 के बाद इमीडिएटली बाय करने की सलाह है, तो उधर से एक बहुत बेहतरीन एक रैली देखने को मिलेगी, और आपका उस जब ये ब्रेकआउट होगा तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह है। किरण जी, पिछले 5-1 दिन से इसमें एक अच्छी रैली चल रही है, आप बहुत आरबीएल बैंक को ट्रैक करते थे गिरते वक्त इसको, अब बताइए क्या राय है आपकी? देखिए, अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है, पर मेरा मानना है कि 340 बहुत अहमियत वाली लेवल है, इसके ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 340.50 रुपए ट्रेड कर रहा है, 340 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, और एग्रेसिव होने के लिए मैं मानता हूं कि 350 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जो 340 से 350 का ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है, 350 क्रॉस करेगा तो मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक पिछले 3 महीने का जो करेक्शन है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन तो है ही, तो मेरा मानना है कि अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव है, पर एग्रेसिव 350 के ऊपर। किरण जी, आपकी राय हिंदुस्तान जिंक पर फिलहाल 195.90।
हिंदुस्तान जिंक का चार्ट काफी बीटन डाउन काउंटर है अभी, इधर से रिस्क बहुत कम है और जिस तरीके से ये आज एक छोटा सा बाउंस बैक दिलाता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ने इधर बाय करके चलना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस रहेगा, 196 पे ट्रेड कर रहा है, पोजिशनली ये करीबन 205 तक जाने की प्रॉबिलिटी ये स्टॉक दिलाता नजर आएगा। चलिए, ये राय आपको हिंदुस्तान जिंक पर मिली। किरण जी, बहुत समय बाद आईटीसी पर हरा निशान। हमारे कई दर्शक इस स्टॉक से बहुत परेशान हैं और आज फिलहाल टॉप गेनर है ये एफएनओ में, एफएमसीजी में। कुछ फेर बदल आपको दिखती हो चार्ट्स पर या वही मायूसी का दौर दोबारा चलेगा आईटीसी पर? मुझे लगता है मायूसी का ही दौर चलेगा, मुझे नहीं लगता कोई अभी भी टेक्निकली कोई संकेत नहीं है जहां पे हमें एक बहुत बड़ी मूव मिलेगी, ऐसा कुछ संकेत नहीं देखने को मिल रहा है। एक छोटे से 10 रुपए के बैंड में चल रहा है, 210 और 220 ये मेक और ब्रेक रहेंगे। 210 टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूटा तो वापस एक बार हमें क्रैक देखने को मिलेगा जो कि 200 के नीचे ले जा सकता है, पर 220 के ऊपर अगर चलता है तो 230 235 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ना करने की सलाह है। स्टेट का स्टॉक फिलहाल आपके सामने 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, किरण क्या कॉल है आपकी? बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन से रखने चाहिए, 360 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 400 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 400 से लेके 415 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर में। ओके, दीपक फर्टिलाइजर पे आपकी नजर होनी चाहिए। हम तमाम केमिकल और फर्टिलाइजर शेयर्स की बात कर रहे हैं और इंसिडेंटली आज सुबह का मेरा फंडा स्टॉक भी था। इस समय मैं देख रहा हूँ काफी तगड़े वॉल्यूम स्टॉक पे आते हुए दिखे हैं और दिन के दौरान कुछ कंसोलिडेशन जरूर होता हुआ दिखाई दिया। देखिए इस समय करीब 4.25% ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में ये स्टॉक नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्टर साहब अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आज आपको 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो ये गैप के साथ निकला था उसके ऊपर ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मशक्कत दिन भर चली लेकिन फिलहाल बुल्स का पलड़ा भारी दिखता है, किरण क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें आपको 103 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 107 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 120-125 का जो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए और 125 के ऊपर फिर एक फ्री रैली आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। पटेल जी, एक स्टॉक जो पूरे बाजार का फेवरेट रहा है वो है महानगर गैस। पिछले 10 मिनट में आप देखें तो इंट्राडे लोस से इसमें एक बहुत अच्छी खरीदारी वापस आ रही है। एक तो प्राइस करेक्शन अच्छा हुआ है, क्या यह मौका है यहां पर दोबारा एंट्री लेने का या आप इंतजार करेंगे? नहीं, मैं इंतजार करूंगा शैल जी। अगर आपका व्यू के हिसाब से है, अगर मेरा व्यू 2-3 महीने का है तो ये गिरावट में खरीदी करने की सलाह दूंगा। 1175 से लेके 1150 के करीब आपको एक्यूमुलेट करना है और फिर एक बड़ी रैली। अगर आप पोजिशनल प्लेयर है तो मैं मानता हूं कि जो एक लेवल है 1215 इसके ऊपर जाएगा तो इमीडिएटली बाय करके चलना चाहिए मोमेंटम प्ले के लिए और मेरा मानना है कि वो 1250-1260 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए। अगर आरओए की बात करें तो 1215 के ऊपर बाय करेंगे तो 1-2 दिनों में वो रैली आपको खत्म होती नजर आएगी। अच्छा किरण जी, आज सुबह से एक्सिस बैंक बिल्कुल चर्चा में रहा बाय लिस्ट पर। आपने लगभग 7 दिन की बहुत शानदार रैली देखी है, आज हल्का सा ऊपर से ये स्टॉक नीचे आया है लगभग 7-1 रुपए, कोई चिंता का विषय या आपको लगता है ये रैली आगे चलेगी? आगे चलनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ये स्टॉक निकला था और लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से छोटा सा करेक्टिव रैली हमने इंट्राडे में देखी, पर आज की क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 750 के ऊपर की क्लोजिंग मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतरीन है। 745 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 765-767 के टारगेट्स 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। फिलहाल बाजार बंद होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, किरण जी एक बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल आपकी तरफ से? बीटीएसटी के लिए मैं मानता हूँ अपोलो हॉस्पिटल बाय करके चलना चाहिए, पिछली बार भी मैंने दिया था, अभी ये जस्ट ब्रेकआउट के बहुत नजदीक ट्रेड कर रहा है पर मैं थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहूंगा। इसका मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे रहेगा, 1690 के नीचे, 1688-1689 के स्टॉप लॉस के साथ 1700 पे ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि ये 1730 के टारगेट्स आपको कल या परसों देखने को मिल जाने चाहिए। एक्चुअल ब्रेकआउट वैल्यू 1704-1705 है, कल के 17 में इसके ऊपर जाता है तो वापस एक बार फ्रेश बाय करने की सलाह होगी जिन्होंने बीटीएसटी नहीं किया हो उनके लिए। बिल्कुल।